यार गोपी, ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठा है तू? यार गुलगुले, उस भिखारी सेठ ने ना मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया यार। हाँ यार, ये बात तो सही है यार गोपी, कॉम्प्लेक्स तो मुझे भी दे दिया उसने। गोपी पूरे महीने में जितना कमाते हैं ना, एक दिन में कमाता है वो भिखारी। वेल, इसी बात का है दुख इसदा। यार क्यों ना हम उसके पास वाली जगह अपने लिए कर ले बुक के इसदा। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। जो है ना भिखारियों वाले प्लान, भीख मांगने के प्लान, यो ही सब करो। तुम नौकरी छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, तुम दफा हो जाओ दोनों। मैडम आप भी ना एक नंबर बोली है मैडम। मैडम आपको कुछ आइडिया नहीं है, वो भिखारी सड़क पे भीख मांग मांग के कितने पैसे कमा रहा है। अरे भिखारी तो मैं बन जाऊंगा मैं। अरे ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ ना तो मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, लुट जाएगी, मैं जिंदा हूँ। स्टॉक ब्रोकर कहाँ है जिसको बुलवाया था? अरे मैं चौटाला हूँ, आ गए, और साथ में ब्रोकर को भी लाया है, और साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल। यस! केरी का सर फाइल में? अबे बोल बे। हाँ। मैडम मैं आपको बताता हूँ, सारे आंकड़े इस फाइल में हैं, और आंकड़ों के हिसाब से करीब करीब 30 लाख रुपए शेयर मार्केट में जमा करा गए हैं। मूंगफली कच्ची है। 30 लाख रुपया? अबे इतना पैसा कहाँ से आ गया भिखारी के पास? Well, mom, उसके पास है बहुत माल इसदा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था प्रीतोपाल इसदा। चलो सही है, मान ले बे कि भाई भिखारी इज मेकिंग मनी। दिन के कितने कमा लेता होगा यार? 1000? 5000? चलो मैक्स टू मैक्स 10000 है भाई। वाओ 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 वाओ। तो महीने के कितने कमा रहा गोपी? वाला या वाओ। क्या कर रहा है यार गोपी, दिन के 10000 तो महीने के कितने हैं? सिंपल सा तो है, बता ना। वेल अबे गोपी बे, इतने आसान सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो तुम, हैं? इसलिए कहते हैं पान खाया करो। पान खाओगे ना तो दिमाग चुस्त रहेगा। हैं? वेल, मैथ्स में हूं मैं बहुत वीक इसदा। मेरी सास को देख के लोग पढ़ते हैं चीख इसदा। तू बोल गुलगुले। अरे मैडम, दिन का 10000 कमाते हैं तो महीने का 2,90,000। अबे 2,90,000 नहीं, 3 लाख, 3 लाख। अरे सर आप बिना एक नंबर के भोले हैं सर। अरे सर एक दिन की छुट्टी तो लेगा ना भिखारी, 1 day off। 3 लाख कमा रहा है महीने का, और 30 लाख की करी उसने पेमेंट है। ये अपना शेयर खरीदे उसने 30 लाख के, तो पेमेंट जो है कैसे करी? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट का क्या है। एक औरत आई थी बुरखे में, और 10 लाख रुपए उसने शेख घनश्याम दास के नाम पे शेयर मार्केट में जमा किए थे। मूंगफली कच्ची है भाई। बुरखे वाली औरत तो हमें बेरा है, पहले भी आई है वो। उसका और कोई डिस्क्रिप्शन? ये ये ये। हाँ मैडम, उसके बाएं हाथ की उंगली में ना अंगूठी थी जिसमें लाल रंग का पत्थर जड़ा था, है ना? क्या बात है, बिल्कुल सही मैडम, यही था, बिल्कुल ऐसे ही थी वो। ये बुरखे वाली घने खेल खेल रही से, पता लगाना पड़ेगा कौन हो रही बुरखे में। जी नमस्ते, कहिए पारस फ्रॉम बनारस को यहाँ क्यों बुलाया? हेडलाइन हंगामा है। हाँ हमने बुलाया यार तुम्हें, हमने तुम्हें बुलाया है। वैसे तुम अजीब आदमी हो यार, तुम इतनी बार चौकी आए हो, इतनी बार चौकी आते रहते हो, कभी तुम्हारा दिल तुमसे ये नहीं कहता कि यार चौकी जा रहा हूँ जरा मिठाई लेकर चलूं? जी यार नहीं कहता है, क्योंकि मेरे दिल को मिठाई पसंद नहीं है। ये हेडलाइन हंगामा है। तो तुम्हारे दिल ने ये क्यों नहीं सोचा इसदा कि चलो ले चले समोसा इसदा।
अरे दादाजी देखिए, मुझे ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मेरी अखबार का आखिरी पेज प्रिंट होना बाकी है और मैटर फाइनल अभी करना मुझे बाकी है। हेडलाइन का हंगामा है। यार तुम बड़े ढीट आदमी हो यार तुम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना और तुम मुझसे एक बार कह देते यार कि समोसा खाने का मन कर रहा है, तो मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर चौकी छोड़कर दौड़ के बाहर जाता और समोसे खरीद के लेके आता, वो भी गरम गरम, वो भी मीठी चटनी के साथ। अच्छा तो ठीक है, समोसे खिलाओ यार, खाने का मन कर रहा है। खिलाओ खिलाओ है। शट द यू द अप इज द, वरना पड़ेगी धपा धप इज द। रे दादाजी ये बताइए कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हेडलाइन हंगामा है। हम बताते हैं, हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया, पहले जरा ये पान खा ले भैया। पान जैसा कुछ नहीं है भैया। तो मिस्टर पारस फ्रॉम बनारस, हम इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाए है कि वो झिंगुर की श्रद्धांजलि की खबर कल तुम्हारे अखबार में नहीं छपेगी। सर देखिए, पार्सल आ चुका है और पैसे मैं ले चुका हूँ। हेडलाइन हाका हंगामा है। और एक बार पैसे तुम ले ले तो कुछ चेंज तो हो नहीं सकता ना। जरा दो मिनट के लिए जरा इधर आ जाओ प्लीज। ले चलो जा मर्जी, ले चलो। कम ब्रदर कम। यार यार अरे सर, अरे नहीं छापूंगा, बिल्कुल नहीं छापूंगा, कसम खाता हूँ नहीं छापूंगा। हेडलाइन हाका हंगामा है। आप कहिए तो कुछ और न्यूज छाप दूं, आपकी शादी का इश्तेहार छाप दूं। हेडलाइन हाका हंगामा है। शादी की खबर के लिए थोड़ा वक्त है अभी। तो झिंगुर की श्रद्धांजलि की खबर कल अखबार में नहीं छपेगी, और जब नहीं छपेगी तो जो लोग इस कांड के पीछे है वो भौंकला जाएंगे, पगला जाएंगे। उसके बाद क्या करना है हम आपको बताते हैं। जरा चलिए, जरा अंदर चलिए, बता दे आपको। अरे नहीं सर, वहाँ क्यों, यही बताइए ना, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ ही आता है। हेडलाइन हका हंगामा है। ये तो है, है ना। समझ गया, आप चिंता ना करें, मैं आपको हर बात की इंफॉर्मेशन दे दूंगा। हेडलाइन हका हंगामा है। मैं अभी जाऊं, अंदर आ जाइए। अरे नहीं, मैंने कहा ना रहने दीजिए, वहाँ क्यों, मैं जाता हूँ, थैंक यू। हेडलाइन हका हंगामा है। अगली बार मिठाई है। ओह क्या बात है सर। अरे हम तो कह रहे हैं सर एक बात अच्छी यार। अरे सर जी आप इतना गुस्सा क्यों हैं? नेटवर्क टना टन है। क्योंकि आज के अखबार में झिंगुर की श्रद्धांजलि की खबर नहीं छपी। अरे ये कैसे हो सकता है, हमने तो उसको पैसे भिजवा दिए थे ना, लेकिन फिर भी खबर नहीं छपी। मैं काम करो रूपा, उस अखबार वाले से मिलो और पता लगाओ कि मामला क्या है। सर जी मैं तो यह कहता हूं कि पुलिस जो है इस केस के पीछे लगी हुई है। अरे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, नेटवर्क टनाटन ना है। लेकिन फिर भी पुलिस हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रूपा बहुत चालाक है, पुलिस उसे छू भी नहीं सकती। मतलब नेटवर्क टनाटन है। अबे चल। हाँ हेलो मैडम, मैडम मैं पारस फ्रॉम बनारस बोल रहा हूँ मैडम। हेडलाइन हंगामा है। मैडम अभी किसी भी वक्त वो बुरखे वाली यहाँ आ सकती है। हेडलाइन हंगामा है मैडम। अच्छा यानी हमारी चाल कामयाब रही। सही है, फोन रख। ठीक है, लेकिन मैडम आ जाना टाइम से। हेडलाइन हंगामा है। परफ्यूम अच्छा लगाती है। जी नमस्ते। हेडलाइन हंगामा है। झिंगुर की श्रद्धांजलि आज क्यों नहीं छापी? देखिए मैडम, क्या है ना, वो दरअसल ये भूल से हो गया, गलती से। वो मैं शहर से बाहर गया हुआ था ना, तो मेरा असिस्टेंट, उसने ऐसी गलती कर दी। हेडलाइन हंगामा है। पैसे लेते वक्त तो कोई गलती नहीं करते, मुझे सब पता है,
तुम ये सब पुलिस के कहने पे कर रहे हो? क्या बोल रही है आप? नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हेडलाइन हंगामा है। हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमें सब पता है, लेकिन हम भी पुलिस को ऐसा जवाब देंगे कि पुलिस भी देखती रह जाएगी। क्या क्या? और वो जवाब है तेरी मौत। अरे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं नहीं, अरे मैडम, अरे बचाओ बचाओ। नहीं कोशिश नहीं करना, गोली मार देंगे। चल हट। अबे हट बोल। अरे ये क्या है सर, गोली क्यों नहीं चल रही? लगता है हमने बंदूक में एक ही गोली डाली, बाकी डालना भूल गए। ओह माय गॉड, फॉलो हिम, फॉलो द पीछे सर, चलिए। कहाँ गई सर? अरे सर, हाँ तो इतने सारी बुरके वाली हैं सर। जरूर इस भीड़ भाड़ में घुस गई है वो, अब कैसे पहचानेंगे? Well, उसके हाथ में है रेंगेज़दा, लपी रोज देती है मुझे पेंगेज़दा। करेक्ट गोपी करेक्ट। जिसके हाथ में लाल अंगूठी होगी ना, वही हमारी वो बुरखे वाली है। चलो अबे ये क्या? माय गॉड, अरे ये तो लाल अंगूठी है, मतलब उसने उतार के फेंक दिया। अबे आप कैसे पहचानेंगे उसको? हाँ सर, इतने सारे। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं जब तीन पत्ती खेलता हूँ ना सर, तब मैं हमेशा ब्लाइंड खेलता हूँ, और ब्लाइंड खेल के भी क्या जीतता हूँ सर, मतलब मेरा लक तो कमाल का है, कमाल का। क्यों वहाँ तीन पत्ती खेलने जाएगा? अरे सर, लक आजमा के देखता हूँ सर, आई एम ऑलवेज लकी। ओके टेक केयर, वहाँ छह पत्तियाँ हैं। कोई बात नहीं सर, आप बस मेरा लक देखिए अब। ऑल द बेस्ट गुलगुले। Well, excuse me, ladies and gentlemen. One moment, please. I go. अबे तुझे लेडीज बोल कर गया सर, किससे बात करता रहता है ये? पता नहीं। चलो भी हंसना बंद करो और सोचो क्या करना है अभी। सीरियस कैसे? सीरियसली सोचो, जाके पूछताछ करते चलो। चलो। अरे सर छोड़िए सर। चलो। अरे सर रहने दीजिए सर। आइए। चलो। अरे सर। Excuse me, all खातूनोज, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सीधे खड़े हो जाइए, और ये पुलिस वाले तो मारने की ज़रूरत नहीं है ना, और हम भी पुलिस वाले तो हमें भी कुछ हाथ वात ना उठाना हम पर। ओके? अरे तो क्या पुलिस वाला है तो क्या औरतों को छेड़ेगा? अरे नहीं नहीं, क्या ये देख क्या रही हो? चलो इनको मारते हैं। एक मिनट एक मिनट, we'll be right back.
मैडम अच्छा हुआ आप आ गई मैडम, यहाँ बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। Well, mom, इन्होंने की हमारी पिटाई इज़्ज़ा, मुंह से निकल रहा है ऊ आ आई इज़्ज़ा। ऐसा है लेडीज बहनों भाई, सॉरी आप लोगों का जो ये शॉपिंग डे है चूड़ी उड़ी खरीदने का, लेडीज डे आउट हम जरा खराब कर रहे हैं, लेकिन यो एक कानूनी कार्रवाई है, इसमें आप लोगों को घबराने की जरूरत ना है। एक कानून की जो गुनहगार है वो बुरके का फायदा उठा के आप लोगों के बीच घुस गई, और वो अपने आप को घना सातिर, घना कनिंग, घना ओवर स्मार्ट समझ रही है, पर उसे यो ना पता है कि कानून इतना भी अंधा ना है। पौने पांच बज गए क्या? चलिए दवा खाइए। अबे ये तो नर्स है ना, जिंगूर की नर्स। अरे हाँ मैडम, ये तो वो पौने पांच बज गए क्या वाली नर्स है। Oh my God, इज़्ज़ा, ये तो है फ्रॉड इज़्ज़ा। चलिए चूड़ी वगैरह बहुत हो गई, लेडीज भी आप जरा के जरा फॉल पेटीकोट वगैरह लीजिए। चलिए छुड़ा ला, इसका मुंह तो ढका हुआ था, आपने कैसे पहचान लिया इसको कि वही हमारी बुरके वाली? सर गुनेगार जो है कोई ना कोई निशानी हमेशा छोड़ जावे, फिर चाहे वो मौका है वारदात पे हो या चाहे अपनी उंगलियों पे। My God. इसने अपनी अंगूठी तो निकाल के फेंक दी, लेकिन टाइट अंगूठी का निशान इसकी उंगली पे फिर भी रह गया, जो मैंने देख लिया और यो फंस गई। ये बोल क्यों किया था ने वो सब? हाँ मैंने ही किया है ये सब। वो जिंगूर जिस कंपनी और जिस बिजनेस का मालिक था वो मेरे डैडी का था, और उसने धोखा देके सब कुछ हत्या लिया, और मैं उससे बदला लेना चाहती थी। अबे लेडी बाजीगर, तुम तो नर्स थी ना, तुम तो जहर देके भी मार सकती थी। लेकिन मैं उसे तड़पा तड़पा के मारना चाहती थी, और मैंने इसलिए प्लान किया था कि रोज उसकी श्रद्धांजलि पेपर में छपवाऊंगी ताकि वो रोज टेंशन में रहे, और इस प्लानिंग में मेरा साथ उसके बिजनेस राइवल ने किया, और उसका प्लान ये था कि वो झिंगूर के एक एक शेयर खरीद कर उसको सड़क पे ला देगा। भाई ऐसा है कि नाइंसाफी से लड़ने का यो मतलब ना है कि आप गैर कानूनी रास्ते अपनाए। बेटा ये पौने पांच के साढ़े पांच बज गए हैं तुम्हारे, तुम्हारे बाकी के साथी भी अरेस्ट होंगे, लेके जाओ बेचारी मैडम को। पौने पांच बज गए क्या? मैं छुड़ाल आपसे एक बात कहे, आपने ये केस ना कमाल का सॉल्व किया, कमाल का सॉल्व किया सच में। हमने सर। ठीक है हमने। वैसे हम क्या कह रहे हैं मिस्टर डाला, चूड़ी वाला है, चूड़ियां हैं, चूड़ियां आपके हाथों पर ना बड़ी जचेगी, क्या लगेगी आपके हाथों पर, सच कह रहे सर। आर यू देवानंद कि मतलब चूड़ी नहीं हमारा दिल है, देखो देखो टूटे ना अपना, जब देखो सर यो ही सब एकदम ही टाइम पास पांडे। पहनाइए चूड़ी। प्यार से कहिए। I'm trying sir। पहनाइए ना चूड़ी। Sure। हाथ लाइए मैं चढ़ा। क्यों हो गया सर? नर्वस पांडे। हाँ? अरे इट्स ओके यार, वेल कैरी ऑन। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।